हेलो स्टूडेंट्स, सो यार टुडे इज़ 20 सितंबर और आज जो है ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटियों के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और एवरेज अगर अपन बात करें हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर, यानी कि 25 सितंबर ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है। तो क्या सारा सीन है, बहुत सारे कॉलेजों का 20 अक्टूबर है, बहुत सारे कॉलेजों का 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो हर कॉलेज की आज अपन बात करने वाले हैं। यार सबसे पहले बात करते हैं विश्वा भारती यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अगर अपन बात करें CUET एडमिशन प्रोसेस की, तो गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है रिगार्डिंग द एडमिशन कि भैया कब एडमिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने भी आई थिंक अभी तक तो कोई अपडेट नहीं डाला है रिगार्डिंग द एडमिशन, लेकिन एक बार फिर से इसकी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं क्या सारा सीन है इसका मामला है। ठीक है, तो जस्ट तो गाइस इसने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की से जो है ऑलमोस्ट अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग द एडमिशन। आपको त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जाना है tripura.cuet.samrat.ac.in। ओके, तो गाइस ये देख सकते हो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यार जैसा कि देख सकते हो इसके जो है प्रोग्राम शेड्यूल की अगर अपन बात करें तो अभी तक शेड्यूल के रिगार्डिंग तो आई थिंक कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिलीज नहीं की है। ठीक है, अभी प्रोग्राम ओपन नहीं हुआ लेकिन पोर्टल वगैरह सब कुछ तैयार है बनके। ओके, फिर अपन चलते हैं और दूसरे कॉलेजों की तरफ। तो ये था हमारा त्रिपुरा। उसके बाद यार इसकी तरफ से अभी तक नोटिस नहीं आया है। तेजपुर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, सिक्किम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री की तरफ अपडेट नहीं है, राजीव गांधी के स्टार्ट हो चुके हैं, पांडिचेरी के स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद नॉर्थ हिल इसके स्टार्ट है, नेशनल संस्कृत की तरफ से अपडेट नहीं है, नागालैंड की तरफ से अपडेट नहीं है, मिजोरम के स्टार्ट हो चुके हैं, उसके साथ मणिपुर के स्टार्ट है। एंड उसके बाद अगर अपन बात करें तो यार यहाँ पे गुरु घासीदास के जो है अपडेट स्टार्ट हो चुकी है, श्री हरि सिंह गौड़ के स्टार्ट हो चुके हैं, तमिलनाडु के स्टार्ट हो चुके हैं 25 लास्ट डेट है, साउथ बिहार के 25 लास्ट डेट है, राजस्थान की 20 को लास्ट शाम तक ही स्टार्ट हो जाएंगे, उड़ीसा के स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, देन उसके बाद यार केरला के स्टार्ट है, कश्मीर के स्टार्ट है, कर्नाटका के ऑलरेडी रनिंग में चल रहे हैं, झारखंड के जो है झारखंड की अगर अपन बात करें तो झारखंड का देख लेते हैं क्या सारा सीन है। तो यार ये देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का झारखंड का जो पोर्टल है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इतने सारे कोर्सेस है, अगर अपन शेड्यूल की बात करें तो अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी शेड्यूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने रिलीज नहीं किया है रिगार्डिंग द एडमिशन। देख सकते हो अभी तक ये अपडेट जल्दी स्टार्ट कर देगी अपना प्रोग्राम स्टार्ट शॉर्टली, लेकिन देख सकते हो अपडेट वगैरह पूरा का पूरा जो स्टार्ट हो चुका है। पब्लिक नोटिस की अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का, तो जस्ट आप के ऊपर नोटिस वगैरह डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या सारा होता है झारखंड का, जल्दी पोर्टल आपको अपडेट मिल जाएगा। तो गाइस झारखंड के बाद हमारा कॉलेज आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, रजिस्ट्रेशन रनिंग में चल रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अपन मान के चल रहे हैं 21 से या फिर शाम को 20 से स्टार्ट हो जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, इसकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, बनारस की तरफ से कोई अपडेट नहीं है अभी तक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, असम यूनिवर्सिटी का हम देख लेते हैं क्या सारा सीन है। यार इसका जो पोर्टल है अभी रनिंग के अंदर चल रहा है, इस पोर्टल पे कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिया गया इसके रिगार्डिंग। अब अपन देखते हैं असम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है।
अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बच गए जिनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ यार आपको एक अच्छी अपडेट दे दूँ रिगार्डिंग द एडमिशन, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द CUET एडमिशन, तो जो है आप मेरा CUET एडमिशन कॉम्बो प्लान ले सकते हो जिसके अंदर आपकी हेल्प की जाती है टू गेट द एडमिशन कि भैया कैसे रजिस्टर करना है, इतने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपके लाइव रजिस्ट्रेशन इन द गूगल मीट और जूम, तो सारा का सारा आपको जो है प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। तो यार आप जो है सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया 24 hours आपका लाइव सपोर्ट रहता है हमारा जब तक आपके एडमिशन स्टार्ट नहीं हो जाते। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप लोग बता रहे हो ठीक है हम YouTube पर देख के कर लेंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है यार, उसके बाद जो आपका ईमेल एडमिशन होता है, ऑफलाइन एडमिशन होता है, गूगल मीट लिंक एडमिशन होता है, तो जो है आप इन सब मामलों के अंदर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज है जहाँ पे कोर्सेज ठीक से चूज करने पड़ते हैं, लाइक जैसे कि आपका डोमेन और जस्ट लाइक जनरल टेस्ट में अगर कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, अदर में कम मार्क्स है, तो आपको सबसे बेस्ट कोर्स कैसे अलॉट किया जाएगा, वो सारा का सारा प्रोसेस हम आपको कंप्लीट करके देते हैं इंडिया में सबसे कम प्राइजेस पे, ठीक है सबसे कम प्राइजेस पे, एकदम चिपेस्ट प्राइजेस पे आपको जो है फ़ोन सपोर्ट प्लान एक ओनली फॉर 1999 रुपये में मिल जाता है। टिल जब तक आपकी यूनिवर्सिटियों की क्लासें स्टार्ट हो जाती है तब तक आपकी हेल्प की जाती है डॉक्यूमेंट प्रोसेस, स्कॉलरशिप, लोन एंड मेनी मेनी कंसल्टिंग रिगार्डिंग कि भैया ये कोर्स क्या होगा, इसका क्या स्कोप है, सब कुछ टोटली आपकी हेल्प की जाती है। तो यार जस्ट इनरोल कर सकते हो, गूगल फॉर्म के अंदर लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन के अंदर CUET UG का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। तो जस्ट प्लान जरूर से ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको रियल में एडमिशन लेना है 2020 सेशन में, तो ठीक है।